पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका आतंकी हाफिज सईद राजनीतिक दल चला सकता है, अपने बेटे को चुनाव लड़वा सकता है और उसके आका यानी पाकिस्तानी फौज ने चाहा तो उसे सांसद भी बनवा सकता है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक तलहा लाहौर की NA-127 सीट से चुनावी मैदान में उतर रहा है और इसके लिए उसने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सुनिए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा, जो खुद भारत की तरफ से आतंकी घोषित किया जा चुका है, क्या बोल रहा है। सदर कचहरी में NA-122 के कागजात अपने नामजदगी के यहाँ जमा करवाने के लिए आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी खास रहमत के साथ जमात को यहाँ से कामयाबी अता फरमाए। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने अपने बेटे को अपनी ही पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हाफिज की पार्टी का नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। माना जाता है कि इस पार्टी को तमाम फंडिंग हाफिज सईद के अनजान सोर्स से ही मिलती है। हाफिज सईद इस वक्त कथित तौर पर जेल में हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स, यहां तक कि पाकिस्तानी पत्रकार भी खुलासा कर चुके हैं कि सईद जेल में नहीं है बल्कि वो अपने घर में ही है। 2018 में ही हाफिज सईद ने अपने बेटे और दामाद समेत अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन एक भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। हाफिज चुनावी रैलियों में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। जंग जारी है, मोदी इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर। जहां तक तलहा सईद की बात है तो उस पर भी आतंकियों को भर्ती करने, धन जुटाने के अलावा भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों पर हमलों की योजना बनाने के आरोप है। पाकिस्तान में उसकी आवाजाह पर रोक नहीं है। अपनी सभाओं में तलहा भारत, इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद की धमकी देता रहा है। जंग जारी है, मोदी इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। अगर आज हाफिज का यह आतंकी बेटा पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहा है, खुलेआम घूम रहा है, तो इसका जिम्मेदार चीन भी है। भारत ने 9 अप्रैल 2022 को ही तलहा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया था। उसके बाद भारत ने UN में तलहा को ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को अमेरिका का समर्थन भी मिला लेकिन चीन ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। वीटो लगाकर उसने आतंकी तलहा सईद को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया। वहीं जून 2021 में पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को भी चीन ने ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने वीटो कर दिया था। मक्की हाफिज सईद का बहनोई है और उसे लश्कर तैयबा का फाइनेंसर माना जाता है। अब जबकि पाकिस्तान को रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की की जरूरत है, तब तलहा जैसे आतंकी पाकिस्तान को और ज्यादा कट्टर इस्लामी देश बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।